हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। माय नेम इज़ घनश्याम। टुडे वी रीड बोथ एंड। आज हम लोग बोथ और एंड का प्रयोग करना सीखेंगे। तो बोथ की हिंदी होती है दोनों, एंड की हिंदी होती है और, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज हम लोग बोथ और एंड का प्रयोग एक ही सेंटेंस में एक साथ प्रयोग करके सीखेंगे कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ वाक लिखा गया है और हम बोथ और एंड का प्रयोग करके इस वाक को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले क्या है, आप बुद्धिमान और समझदार दोनों हो, यानी एक ही व्यक्ति को दो चीज़ कहा जा रहा है कि यानी आप बुद्धिमान और समझदार दोनों हो। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग यूज करेंगे बोथ और एंड का इस वाक में। You are both, यानी इसका मतलब आप दोनों हो। क्या? बुद्धिमान। बुद्धिमान को हम कह सकते हैं wise, and समझदार intelligent. You are both, आप दोनों हो wise and इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगा सकते क्योंकि ये भी एग्जेक्टिव और ये भी एग्जेक्टिव, नाउन है नहीं, क्योंकि नाउन जब रहता है तभी हम आर्टिकल लगाते हैं। चलो देखते हैं दूसरे वाले वाक्य को। वह कवि और समाज सुधारक दोनों था, यानी कोई व्यक्ति है उसको बताया जा रहा है कि वह कवि और समाज सुधारक दोनों था। तो ये पास्ट में है तो हम यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ ही है तो वाज का प्रयोग होगा, यानी सॉरी ही वाज बोथ, यानी वो दोनों था। क्या? ए पोएट एंड ए समाज सुधारक। समाज सुधारक में क्या है? ये सोशल रिफॉर्मर। ही वाज बोथ, वानी वो दोनों था। ए पोएट, पोएट क्या है? एक नाउन है, इसलिए देखिए यहाँ आर्टिकल लगा है। एंड सोशल रिफॉर्मर, ये क्या है? यह भी एक नाउन है, ये एक समाज सुधारक व्यक्ति की तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये भी एक व्यक्ति का, एक नाउन का सेंस दे रहा है। चलो गाइड्स, हम लोग का दो हो गया, तीसरा देखते हैं। मोहन और उसकी बहन दोनों दिल्ली गए, यानी मोहन और उसकी बहन दोनों दिल्ली गए, तो ऐसा सेंस है। तो यानी यहाँ पर हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे, दोनों दिल्ली गए, तो हम पहले ही लगा देंगे बोथ मोहन एंड His sister, both Mohan and his sister, और ये past tense में है, गए, went to Delhi. बोथ मोहन एंड हिज सिस्टर वेंट टू दिल्ली, यानी बोथ किसका सेंस दे रहा है? दोनों, यानी दोनों दिल्ली गए, तो यहाँ पर ये हो गया। तो वे लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। अब यहाँ पर दो भाषा की कहा जा रही है, यानी कुछ लोग हैं, यानी वो हम लोग बोले कि वे लोग, या हम लोग अपने बोल सकते हैं कि हम लोग दो भाषा बोलते हैं, यानी हम लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, वे लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दे मीन्स वे लोग पूरे हो गए, दे, और ये हमें ध्यान देना है टेंस, बोलते हैं यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। दे
स्पीक, दे स्पीक। अब क्या कहते हैं, दे स्पीक बोथ, दे बोथ स्पीक नहीं, दे स्पीक बोथ। और क्या हिंदी एंड एंड इंग्लिश, दे स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी वे दोनों भाषा को बोलते हैं। और देखते हैं पांचवा यहाँ पर जो है कि ये ऑलरेडी यानी ट्रांसलेट कर दिया गया है क्योंकि नीचे था, थोड़ा सा इसके लिए जल्दी कर देंगे। तो क्या करें, राम कुमार अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों थे, यानी राम कुमार अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों थे कि स्कूल के, तो ऐसी बात कहा जा रहा है, दोनों थे। सही बात है, हमारे स्कूल में राम कुमार अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों थे क्योंकि वो प्रिंसिपल का भी काम करते थे और पढ़ाते भी थे। तो यहाँ पर ऐसा ही वाक है, तो राम कुमार वाज यानी राम कुमार थे, बोथ माने दोनों, क्या एक टीचर, देखो ये क्या है, यह एक नाउन है इसलिए यहाँ आर्टिकल है, एक टीचर एंड ए प्रिंसिपल, और एक अध्यापक और एक प्रधाना अध्यापक या प्रधानाचार्य दोनों। यू अंडरस्टूड एंड यू कैन आल्सो मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंस बोथ और एंड का प्रयोग करके, इस तरह से अपने बोलचाल की भाषा में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चले देखते हैं, हम लोग का तो ये हो गया और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर सिक्स वर्ड मीनिंग है, जो कि वर्ड मीनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक एंड टू लर्न इंग्लिश। सो मीनिंग्स यू शुड नोट इन योर नोट बुक्स। तो देखते हैं यहाँ पर छह वर्ड मीनिंग है, क्या है, पहला क्या है, सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मीन्स द समाज सुधारक, यानी कि समाज को सेवा करने वाले को समाज सुधारक बोलते हैं, तो सोशल रिफॉर्मर। सोलर क्लिप मीन्स सूर्य ग्रह है और लूनर क्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रह है। और देखिए क्या क्या है, प्लैनेट, प्लैनेट मीन्स ग्रह, यानी प्लांट माने पौधा होता, लेकिन यहाँ देखो ई लग गया, यानी प्लैनेट माने ग्रह। और यहाँ पर देखो प्लैनेटल है ना, प्लैनेटल मीन्स होता है भूमंडली, और फिर उसी के नीचे दिया है प्लैनेटरी माने सार्वभौमिक। सो गाइड्स, आप भी इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसे लर्न करिएगा। गाइड्स, आई होप यू लाइक दिस। यदि आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपना नया वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम लोग रोज़ इस तरह से एक यूज कुछ ना कुछ हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे मेरे चैनल को तो आपके पास मेरा वीडियो रोज़ पहुँच जाएगा। वॉचिंग माई